गाइज, जैसे कि आप सब लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं कैमरे के सामने कैसे आया, तो गाइज मेरा नाम शाहरुख शेख है और काफी सारे लोगों को पता होगा कि जो वीडियो हर बार मैं ही शूट करता हूँ, तो आप सब लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं कैसे आगे आया। तो उसके पीछे का गाइज बहुत बड़ा रीजन है। उसके पीछे का रीजन ये है कि सरापत भाई की आज शाम से काफी ज्यादा तबीयत खराब हो गई है। क्या पता वो कुछ ऐसी मीन्स हरकतें कर रहे थे जिससे मीन्स हमें लगा कि इनके ऊपर ऐसी कुछ एक्टिविटीज या ऐसा कुछ भी हो गया है। तो इसलिए अभी हमें उनको एक्चुअली में जो हमारे जो बाबा है उनके पास लेके आए। तो मैं आप सबसे एक्चुअली में मेरा वीडियो बनाने का कोई मीन्स नहीं था, तो भी मैंने सोचा कि मैं आप सब सॉरी वो ले लो बैटरी ले लो एक्चुअली में मैंने सोचा कि ये वीडियो बना के आप सबको मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो के जरिए के मीन्स हमारे इस वीडियो के पीछे हमारे साथ और क्या क्या होता है गाइज। तो कल शाम से एक्चुअली सॉरी आज शाम से सरापत भाई की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। तो इसलिए एक्चुअली मैं मुझे भी फोन आया, सरापत भाई की मम्मी ने कॉल किया कि सरापत की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है। तो इसलिए मैं और ये भाई सब लोग अभी एक्चुअली में इनको जो हमारे जो पंडित है उनके पास लेके आए। तो अभी हमने सरापत भाई को वहां पे लेटा दिया अंदर। तो इसलिए मैं 2 मिनट के लिए बाहर आया कि मैं वीडियो बना सकूं और आप सब लोग को बता सकूं कि गाइस सरापत भाई की हालत काफी ज्यादा खराब है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं गाइस, जो जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उन सबसे एक चीज कहना चाहता हूं कि सरापत भाई के लिए दुआ कीजिए और हो सके तो वो जल्द ठीक हो जाए और आपके बीच में आ जाए। तो गाइस आज ना मैं आपको शॉर्ट आउट दे सकता हूँ ना कुछ कर सकता हूँ, उसके पीछे का रीजन यही है कि सरापत भाई की तबीयत काफी ज्यादा खराब है और हमारा ऐसा कोई वीडियो बनाने का मोटिव नहीं था कि हम सब आपके लिए वीडियो बनाए, मगर तो भी एक्चुअली में ये वीडियो बनानी जरूरी भी थी कि आप सब लोग को ये चीज बतानी भी जरूरी थी कि सरापत भाई के साथ की क्या चीज हुई है। तो ये जैसे कि हनन भाई है, ये चिकू भाई है और कैमरे के पीछे वैनम जो हमारे सफान भाई है। तो आज हम चारों लोग हैं। तो अभी हम चलते हैं वहाँ पे और आपको जो बाबा जी से बात करते हैं और बाबा जी क्या बोलते क्या नहीं बोलते, तो गाइस चलो तो वहाँ पे चलते बाबा जी के पास और बाबा जी क्या बोलते क्या नहीं बोलते। मैं बैटरी फिट कर लेता हूँ क्योंकि गाइस यहाँ पे ये जो हम जहाँ पे ये बाबा जी का मठ है एक्चुअली में वहाँ पे हम आए, तो अभी हम जाएंगे और बाबा जी से बात करने की कोशिश करेंगे। तो चलो गाइस चलो भाई जान, ये वो जगह है गाइस जहाँ पे बाबा जी का मठ है, हम आए हैं यहाँ पे। आप देख सकते हो सरापत अजीब से ही मींस ऐसे कर रहा है, सो रहा है वहां पे। ये गाइस आप देख सकते हो सरापत भाई की हालत क्या है। तो तो कहीं जैसे कि आप देख सकते हो आप सबने देखा होगा कि सराफत भाई क्या पता कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है। तो अभी हम यहाँ पे ये जो है गाइस ये पीछे आप देख सकते हैं बाबा जी का मठ है, बाबा जी यहीं पे रहते हैं एक्चुअली में। तो अभी सरापत भाई जो सो रहे और यहाँ पे अंधेरा काफी ज्यादा है, अभी हम बाबा जी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअली में हमें किसी ने बोला था कि बाबा जी तुम्हें रात को मिलेंगे यहाँ पे, तो अभी तक हमें बाबा जी दिखे नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं बाबा जी के पीछे और मुझे काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा है कि मेरे भाई को ऐसा कुछ ना हो जाए और इसकी तबीयत जिस हिसाब से भाई बात कर रहा है उसे मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई के साथ ऐसा कुछ हो गया। तो गाइस अभी चलते बाबा जी को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि बाबा जी हमें मिलते या नहीं मिलते, क्योंकि एक्चुअली में हमने हमको बोला था कि बाबा जी तुम्हें मठ पे ही मिलेंगे, क्योंकि एक्चुअली में हम रेगुलर ही जाते थे वहाँ पे जहाँ पे इनकी जो धुनी वगैरह रहती है वहाँ पे, ठीक है ना। तो वहाँ पे एक्चुअली में बाबा जी में हमें हट्टे मिल जाते, आज मैं पहले वहाँ पे गया था वहाँ पे हमें बाबा जी नहीं मिले, तो मैंने सोचा कि चलो आज बाबा जी का जो मठ है वहीं पे जाते और जो भी है
औरतों की जैसे आवाज निकाल रहा, औरतों की जैसे। देख सकते हो सौरभ भाई की हालत काफी ज्यादा खराब है, और मुझे खुद के भी मेरे रोंगटे देख सकते हो। गाइस मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है एक्चुअली में मेरे भाई को ऐसी हालत में देख देख के। चलते और चलो अभी यार, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मेरा से वीडियो बनाने का कोई मोटिव नहीं है, मगर ये सब चीज आपको बतानी भी जरूरी थी। आप काफी सारे लोग बोलते हो कि ये सब फेक है। गाइस ये फेक होता ना तो मेरा भाई आज इस हालत में यहाँ पे नहीं होता। आप देख सकते हो अभी ये आपके सामने। गाइस मुझसे सीरियसली अब मैं बहुत सेंसिटिव बंदा हूँ, मुझे इतना बर्दाश्त भी नहीं हो रहा मेरे भाई को इतनी हालत में देख के। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते बाबा जी के पास, और बाबा जी को पहले ढूंढते हैं। बाबा जी यहाँ पे चलो यार, सपन भाई चलो यहाँ से। एक्चुअली मैं आज शाम को 6 बजे मेरे पास सराफत की मम्मी का फोन आया, और सराफत भाई की मम्मी ने बोला कि सराफत भाई एक्चुअली में सराफत काफी ज्यादा ऐसी अजीब अजीब से बातें कर रहा है, और अजीब अजीब से मुझे बिलीव नहीं हुआ। फिर सुन लिया आपने तो गाइस, एक्चुअली में मेरे पास फोन आया और मुझे बोला कि ऐसी ऐसी बात हो रही है, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है, तो मुझे बिलीव नहीं हुआ। मैं घर पे गया गाइस, मैंने देखा ना, सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे जो पैर है ना, पैर पूरे कंपन करने लगे, क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में ऐसा और सीन और मेन चीज अपने कोई करीबी होता उसके ऐसी कंडीशन देखते तो गाइस इम्पॉसिबल, बंदा सहन नहीं कर पाता है। तो मुझे काफी ज्यादा ऐसा फील हुआ, और मैं वहां पे रोने भी लग गया। मुझे अभी भी आंसू आ रहे, बट मैं आपके सामने रोना नहीं चाहता कि गाइस आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार तुम सब लोग इतनी अच्छी वीडियो बनाते हो और ऐसी वीडियो बना इतनी रिस्क लेते हो और रोते हो, इसलिए मैं अपने मन को मिस कंट्रोल कर रहा हूँ अपने आप पे। तो चलो गाइस अभी चलते हैं यार, क्योंकि लेट भी ज्यादा हो गया। अब बाबा जी का क्या कहना क्या नहीं कहना वो कुछ पता नहीं है, तो चलो यार एक बार बाबा जी को ढूंढ लेते। तो चलो सपन भाई, बाबा जी नमस्कार। क्या हुआ बाबा जी? एक्चुअली मैं कुछ काम था, मुझे मेरा एक दोस्त है सराफत पठान, उसकी बाबा जी का एक्चुअली आज शाम से ही कुछ ज़्यादा तबीयत खराब है, तो हम मठ पे गए, आपके वहाँ पे गए थे धुनी पे, वहाँ पे आप नहीं मिले, तो हम आए हैं यहाँ पे। तो एक बार आप आके देख लीजिए, भाई की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब है, और एक्चुअली मैं आज शाम से है ना अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है और अजीब अजीब से बोल रहा है, तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आप वो सराफत भाई वहाँ पे सो रहे, वो वहाँ पे बाबा जी ले गया वो इधर उसको। बाबा जी वो मुझसे तो कंट्रोल नहीं हुआ, काफी ज्यादा धक्का धुम्मी कर रहे भाई। हुआ क्या उसको पता नहीं बाबा जी, आज शाम से एक्चुअली में हम कल गए थे एक जगह वीडियो बनाने के लिए, ठीक है ना, क्या हुआ वीडियो बनाने के लिए गए थे, वीडियो बना के आए, तो एक्चुअली में आज शाम को भाई अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है, अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहा है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो प्लीज आप थोड़ी हेल्प कर लो। ये देख लो, ये मेरा भाई बोल रहा है। कहाँ पे है वो? वो बाबा जी वहाँ पे सो रहा है आपके मठ के इधर। तो आप चलो बाबा जी। कहाँ गए थे तुम लोग? बाबा जी हम वीडियो बनाने के लिए गए थे, वीडियो बनाने के लिए गए थे, तो हम सपन भाई थोड़ा आगे आ गए। एक्चुअली में हम बाबा जी वीडियो बनाने के लिए गए थे। ये मुझे दे दो कैमरा, मुझे दे दो। क्या नाम है तेरा? ससारा बंटे बात।
बाबा जी ये ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे कल रात से। बोले सामने देख मेरे। सामने देख। क्या चाहिए क्या इस बच्चे से तुझे? सामने देख। बाबा जी यही हाल है आज शाम से। चला जा यहाँ से। साला तू क्या बिगाड़ेगा मेरा? कहाँ पे लेके गए थे तुम लोग इसको? कल बाबा जी एक्चुअली में हमें एक जगह वीडियो बनाने गए थे गौरव तिवारी की, तो वहाँ से एक्चुअली में ये जो मोती है ये वहाँ से हमें मिला था। मोती एक सेकंड दिखा देता हूँ। हाँ कैमरा सही रखना। बाबा जी का फेस शो मत करना। ये जो मोती था ये हमको एक्चुअली में दिया था किसी ने, और ये जो मोती हमको कल रात से मिला। ये मिला था हाँ, और वो दिया था किसी ने हाँ। ये जो मोती बाबा जी एक्चुअली में इससे ही सरबत भाई की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। नाम बता अपना। नाम बता अपना। आंखें खोल। सामने देख। अब ये तुम लोगों को नहीं पहचानता है। इन मोदियों की वजह से ही इसको ये हालत हुई है। रबत बाबा जी आप कैसे भी करके कुछ भी करके। क्या चाहिए क्या तुझे? चला जा। रबत तू क्या लेना है इधर? क्या लेना है इधर? खड़ा हो, खड़ा हो, ऊपर देख। क्या लेना है इधर? आंखें खोल। रो क्यों रहा है? बाबा मुझे बचा लो, मार डालेगा मुझे ये। बाबा मुझे बचा लो। हुआ क्या तुझे? मुझे कुछ नहीं होगा भाई, तुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मेरे शरीर में बहुत कदर आ गई, कुछ कर। अरे कुछ नहीं होगा बाबा जी, आप कुछ भी करके प्लीज इसका कुछ करो निवारण। इसका अभी की इलाज है, इसको यार मेरे आश्रम पे छोड़ के जाओ 7 दिन। बाबा जी ऐसे कैसे छोड़ के चले जाए? ऐसे तो तुम घर पे लेके जाओगे तो ये जिंदा नहीं रहेगा और तुम्हें भी जिंदा रहने नहीं देगा ये। बाबा जी आप कैसे भी करके जा रहा है पकड़ो इसको। हाँ बाबा जी बैठाओ इसको इधर। बैठ ऊपर देख, सामने देख, सामने देख, आंखें खोल। बाबा जी आप क्या इसको हुआ? बस इधर ही छोड़ के जाओ मेरे पास 7 दिन के लिए। बाबा जी क्या हुआ ऐसा? ये घर पे गया हाँ। तो ना तो ये बच्चा रहेगा हाँ हाँ। और ना ये तुम लोगों को रहने देगा। बाबा जी ऐसा क्या हुआ? इसके ऊपर 11 जिन्नातों का साया है। क्या बात कर रहे हो? क्या कोई नहीं ऊपर? तो कोई नहीं ऊपर भाई, ये भ्रमित कर रहा हमें। कोई नहीं ऊपर, मैं बोल रहा हूँ इसको मेरे पास इधर आश्रम पे छोड़ के जाओ। मैं मेरा पूरा मंत्र शक्ति से मेरी विधि लगा के इसको बचाने की कोशिश करूंगा। बाबा जी पहले हमें ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते? हम इधर ये कोई रह सकते हैं इसके पास? नहीं तुम लोग नहीं रह सकते इधर। लेकिन दिन में अगर तुम्हें इसको देखने की इच्छा हो हाँ। तो दिन में एक बार आ सकते हो। अरे यार तो पहले इनके सरपत भाई के घर पे फोन कर लेते हैं ना। फोन दो। फोन किधर है मेरा? फोन लगा दे। फोन लगाओ, इसके घर वालों को इत्तला करो हाँ। और अगर ये बच्चा घर गया
तो ना ये बचेगा और ना इसके घर वाले। और ये मोती मैं फोन लगा देता हूँ। फोन लगाओ पहले इसके घर पे। तो गाइस थोड़ा लाइट पे इसको करो। तो गाइस अब जैसे कि आप सब लोग ने देख लिया होगा कि सरापत भाई की हालत कैसी है और क्या है। अब सब लोग ने ये जो स्टोरी आप सब लोगों ने देख लिया तो आप सब लोगों को पता चल गया होगा कि सरापत भाई की तबीयत कैसी है। और जैसे भी जैसे ये जो महाराज है इन्होंने बोला कि सरापत भाई को यहाँ पे रखना पड़ेगा 7 दिन के लिए क्योंकि इनके ऊपर 11 जिन्नातों ने एक्चुअली में कब्जा कर लिया है। 11 जिन्नात गाइस बहुत बड़ी बात होती है और मुझे तो सीरियसली इतना डर लग रहा है कि भाई को कुछ ना हो जाए, मुझे ऐसा डर लग रहा है। तो इसलिए मैं पहले सरापत भाई की मम्मी से कंफर्म करूंगा कि वो इजाजत देते तो उनको रखते यहाँ पे वरना फिर मैं अपने घर पे या इनके सरापत भाई के घर पे लेके चलूंगा। फोन ले हेलो चाची सलाम अलैकुम। हाँ शाहरुख हाँ कह रहे हो अब हाँ अभी हम इधर आए। हाँ ठीक है वो एकदम ठीक है आपको टेंशन मत लेना। हाँ अरे कुछ नहीं हुआ था वो तो ऐसे ही एक्चुअली मेरे को हवा वगैरह हो गई थी इसलिए। हाँ अरे कुछ नहीं एक बार वो भाई को फोन दो ना। हाँ हेलो भाई मेरी बात सुन देख कुछ बोलना मत चाची को ठीक है। हाँ देख मेरी बात सुन अभी एक्चुअली में सिचुएशन काफी ज्यादा खराब तू एक बार पहले घर से बाहर आ। हाँ देख अभी सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो गई है क्योंकि देख सरापत एक्चुअली पागलों की जैसे हरकत कर रहा है और क्या पता क्या क्या बोल रहा है कौन सी लैंग्वेज में बोल रहा है। और जो ये जो बाबा जी है उन्होंने बोला है कि इसके ऊपर 7 जिन्नातों का एक्चुअली में इसको बस में कर लिया 7 जिन्नातों ने ठीक है ना। तो हाँ तू चाची को कुछ बोलना मत चाची को मैंने ऐसे बोला वो ठीक है और अभी हम इसको लेके आ रहे हैं ठीक है ना। तो मेरी बात सुन तो अरे पागल कुछ नहीं खाली बस मैं बता रहा हूँ ना ये थोड़ी एक्चुअली तू चाची को ऐसे बोलना कि इसको कुछ नहीं हुआ है रेडी रेट है ठीक है ना। तू ऐसे कुछ बोल दिया ना कि ऐसा हो गया तो देख वो ऑलरेडी उनकी तबीयत खराब है उनको कुछ हो गया मैं अभी हम इनको संभालेंगे या इनको चाची को संभालेंगे। हाँ अरे यार वो कोई टेंशन मत ले वो कोई देख तेरे अगर मन नहीं लग रहा तो अभी आ सकता है यहाँ पे ठीक है ना वो तू टेंशन मत ले। हाँ मैं तुझे वीडियो कॉल कर लूंगा एक्चुअली मैं अभी मैं थोड़ा एक्चुअली मैं शूट कर रहा था। अरे यार शूट करना जरूर नहीं था मगर तो भी मैंने सोचा एक बार कर तो लेता हूँ लोगों को एक्चुअली मैं। हाँ ठीक है मैं वो तो मैं कर लूंगा बंद मैं उसका ध्यान रखूंगा पूरा ठीक है भाई। हाँ तू चाची को कुछ बोलना मैं तुझे ऐसे कन्फर्म करने के लिए कॉल किया कि देख एक्चुअली मैं जो महाराज ये बोल रहे थे कि 7 दिन तक इनको सरापत को रखना पड़ेगा इधर ही। हाँ ठीक है हाँ ठीक है चलो हाँ ठीक है मेरी बात सुन मैं तुझे वीडियो कॉल कर लूंगा तू टेंशन मत ना ले ठीक है। हाँ ठीक रखूँ भाई मैं। हाँ तो गाइस एक्चुअली मैं सरापत भाई के जो मॉम से भी बात की है मगर उनको एक्चुअली मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि गाइज वो एक्चुअल में एज में भी और उनकी भी तबीयत एक्चुअल में ख़राब रहती है तो इसलिए मैंने सोचा अगर इनको ऐसी कुछ ऐसी बात बताऊंगा तो ऐसा ना हो कि उनको कुछ ऐसा सदमा लग जाए या उनको कुछ हो गया तो गाइज मैं अब सरापत भाई को संभालूंगा या उनके उनकी जो मम्मी उनको संभालूंगा ठीक है ना। तो एक्चुअली मैं अभी सरापत भाई के जो चाचा का लड़का है तो उनसे मैंने बात की तो एक्चुअली में वो भी थोड़ा एक्चुअल में थे वैसे कि बोले कि यार क्या हो गया ऐसा। तो अभी हम ज्यादा टाइम तक नहीं रुकेंगे यहाँ पे तो अभी एक तो ज्यादा टाइम तक यहाँ पे नहीं रुकेंगे जो बाबा जी ने जो बोला है क्या तो अभी मुझे झूठ बोलना पड़ेगा घर पे या कुछ भी है आगे की वीडियो आप देख लेना घर पे बताया। अरे हाँ बाबा जी बता दिया तो चलो गाइस
कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। आंद्रा तू आ जाओ इधर से। ये जहाँ से मिला था वही इसको दफना दे। और ये जिसने भी दिया था ये मैं मेरे पास रख रहा हूँ, इसको पकड़ो। फिरी हम चले जाते हैं। अब इसको इस हालत में तुम लोग घर पे लेके जाओगे? नहीं नहीं बाबा जी, तुम लोग इधर ही होगा। कुछ नहीं इधर ही गया तो समझ लो फिर कभी ये बच्चा तुम्हारे पास नहीं आएगा। कहाँ है? अरे बाबा जी पकड़ो। ये कैमरा मुझे दे दो, कैमरा मुझे दे दो। छुपे हुए इधर आओ, सामने से हटो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, ऊपर बैठ, ऊपर बैठ, सामने देख, सामने देख, क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। इस बच्चे की हालत बहुत ही खराब है। हाँ बाबा जी, अब इसको ऐसे तुम लोग यहाँ छोड़ के नहीं जा सकते, इसको यहीं पे बांधो। हाँ बाबा जी, और 7 दिन तक मैं यहाँ पे मेरा जो भी विधि है, हाँ, जो भी मंत्र तंत्र से मैं इसको बचाने की कोशिश करूंगा। हाँ बाबा जी, लेकिन आप भी अपनी दुआओं से इसको बचाने की कोशिश करना। हाँ बाबा जी जरूर, जरूर अपनी दुआओं और अपने भगवान से प्रार्थना करो कि ये बच्चा बच जाए। हाँ बाबा जी जरूर, मैं 7 दिन तक अपनी कोशिश करूंगा। हाँ बाबा जी, लेकिन मैं इसको बचा पाऊंगा इसकी गारंटी नहीं दे रहा हूँ। हाँ बाबा जी, आप आपकी कोशिश, मैं सिर्फ मेरी कोशिश कर सकता हूँ। हाँ जी, बाकी आप लोगों की दुआएं काम आएगी। हाँ बाबा जी, अब इस बच्चे को यही छोड़ के जाओ आप। हाँ बाबा जी, तो चलो बाबा जी हम जाते हैं। शराबत जाने से पहले इसको यहाँ पे बांधो। हाँ बाबा जी, एक सेकंड बाबा जी, शराबत टेंशन मत ले, एक सेकंड साइड में। सपन भाई इधर रहो, बाबा जी आता हूँ मैं, एक सेकंड इधर। सपन भाई, ए चिकू, ए क्या नाम, अदनान ना आ जा साइड में आ जा, थोड़ा कैमरा लो। तो गाइस, जैसे कि आप सब लोगों ने पूरी वीडियो देख ली है और आप सब लोगों को पता होगा कि सरबत भाई की हालत कैसी है, तो मैं आप सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सरबत भाई के लिए दुआ कीजिए, और हो सके जितनी दुआ कीजिए। और जो जो भी यूट्यूबर हमारी वीडियो देखते हैं प्लीज़ गाइस, और जो जो भी हमारे सब्सक्राइबर, हमारी फैमिली है सरबत 100 व्लॉग की जो फैमिली है, अब सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गाइस, वो भी दिल से, कि सरबत भाई के लिए दुआ कीजिए और मेरा भाई जल्द ठीक हो जाए, बस मैं ये दुआ करना चाहता हूँ। और तो मैं आप सब लोग से यही दुआ करना चाहता हूँ गाइस, कि आप भाई के लिए दुआ कीजिए और भाई बहुत जल्द और जल्द से जल्द आपके बीच में आ जाए, क्योंकि भाई की जो हालत है गाइस मैंने देखी है, बहुत ख़राब हालत है भाई की, और मैं नहीं चाहता मेरे भाई को ऐसा कुछ हो जाए। तो मैंने जो एक्चुअली में ये वीडियो बनाई है, ये वीडियो नहीं है गाइस, ये खाली एक आप लोगों को खाली सच्चाई बतानी चाहता था मैं, कि आप लोग सब लोग ये सच्चाई देखें कि गाइस कैमरे के पीछे भी हमारे साथ में सब चीज़ें होती है। और काफ़ी सारे लोग हैं जो ऐसे बोलते हैं कि ये सब वीडियो ऐसी रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। बच्चा देर हो रही है, मेरा भाई सरहद की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और मैं सबसे लोग अभी भी आप सबसे लोगों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ आप भाई के लिए दुआ कीजिए कि भाई जल्द से जल्द ठीक हो जाए और जल्द से जल्द आपके बीच में आ जाए। और प्लीज़ गाइज, एक वीडियो नहीं, एक खाली जस्ट आपको खाली एक बताने के लिए कि सरहद भाई की तबीयत कैसी है और क्या सरहद भाई के साथ क्या हुआ है। 6 बजे एक्चुअली में इस जो वीडियो की जो पूरी कहानी है गाइज ऐसी कुछ थी,
सराबत भाई का एक्चुअली मैं 6 बजे तबीयत खराब होने लग गई और सराबत भाई की मम्मी का मेरे पास कॉल आया कि यार शाहरुख देखना कि सराबत कैसे कैसे आवाजें निकाल रहा है, उसके साथ क्या क्या हो रहा है। मुझे भी बिलीव नहीं हुआ, मैंने सोचा कि ऐसे चाची मजाक कर रहे हो, क्योंकि वो भी सराबत भाई के जैसे हंसमुख है तो वो कॉमेडी वगैरह करते रहे, तो मैंने सोचा वह ऐसे कोई प्रैंक कर रहे होगे मेरे साथ में, ठीक है ना। मैं घर पे गया और गाइस मैं गया वहां पे घर पे और देखा मैंने, और सराबत भाई पागलों के जैसे हरकत कर रहे और काफी ज्यादा ऐसे कर रहे थे, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और जो हमारे बाबा जी है उनके पास मैं लेके आया हूँ। ये सब गाइस कहानी थी। अब बाबा जी 7 दिन का बोल रहे हैं कि 7 दिन मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो अब 7 दिन में क्या क्या होता है और क्या नहीं होता गाइस वो आपको आगे ही पता चलेगा, और जितना मुझसे होगा मैं आपको अपडेट देता रहूँगा कि सराबत भाई की तबीयत कैसी है, अब कैसी है, अब कैसी है। तो प्लीज़ गाइज, अब मैं इसको ऐसे भी नहीं बोल सकता, वीडियो को लाइक करें शेयर करें कि गाइज मैं मेरे भाई से ज़्यादा मेरी वीडियो नहीं है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई के लिए प्लीज़ गाइज सब लोग दुआ कीजिए, और जितने भी यूट्यूबर है गाइज जो हमसे जुड़े हुए तो उन सबसे भी कहना चाहता हूँ गाइज आप सब लोग भी भाई के लिए दुआ कीजिए, और हो सके जितना भाई को यार दुआ की करो यार। चलो बाबा जी से जो है लास्ट बार परमिशन ले लेते हैं पर क्या है क्या नहीं है। बाबा जी अब हमें क्या करना पड़ेगा, तुम लोग अब घर जाओ, घर जाओ, इसको यही छोड़ के जाओ और यहाँ इसको बांध के जाओ। हाँ बाबा जी, घर पे बता दिया इसको? हाँ इसके घर वालों को बता दिया? हाँ जी, हाँ जी बता दिया। और कोई नहीं आएगा इधर दोपहर में, दिन में एक बार कोई भी घर से आ सकता है। हाँ जी, लेकिन मैं अभी भी वापस बोल रहा हूँ, हाँ जी मैं सिर्फ मेरी कोशिश करूंगा। हाँ जी, हाँ जी आप कीजिए आपसे हो जितना, और हम मैं ये गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि ये बंदा यहाँ से वापस जाएगा। हाँ जी, लेकिन अगर इसको अभी लेके गए, हाँ जी, तो ये बंदा नहीं रहेगा। हाँ जी, ना तुम लोग रहोगे। हाँ जी, यहाँ पे है, मैं मेरी कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों की दुआएं काम आएगी। हाँ जी, हाँ जी ठीक है, चुपके चलो यहाँ से, रुको। चलो इसको यहाँ पे बांध के जाना है। हाँ जी, हाँ जी चलो गाइस। तो गाइस ये जो वीडियो है हम यहीं पे बंद कर लेते हैं, और जो बाबा जी ने जो बोला है वो हम करेंगे भी, और जो भी है भाई के लिए प्लीज जरूर दुआ करना, और बाकी की जो अपडेट रहेगा मैं आपको देता रहूंगा गाइस। आज की वीडियो यहीं पे बंद कर लेता हूँ मैं।